दोस्तों, अगर आपके मन में भी डाउट है कि आपको ग्रीन आरो का S13 प्रो लेना चाहिए या J13, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। आज के वीडियो हम दोनों वायरलेस माइक का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो डाउट ना रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले अगर आपको मैं S13 प्रो का केस दिखाऊं तो आप देखेंगे ये मैट फिनिश में आता है और डिज़ाइन वाइज ये आपकी जो है मोस्टली क्यूबॉइड शेप है। केस को ओपन करें तो आप देखेंगे इस तरीके से इसमें इसके जो ट्रांसमीटर्स हैं और इसका रिसीवर यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। इस वाले मॉडल में S13 प्रो में आपको यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाता है, मगर ये तभी वर्क करता है जब आपने इसको चार्जिंग मोड में लगा रखा हो। अगर आप ईयरबड के तरीके से कंपेयर कर रहे हैं कि केस ओपन करेंगे या केस को बंद करेंगे तो आपको इसका बैटरी यहाँ पे परसेंटेज शो करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो तभी शो करता है जब ये चार्जिंग मोड होता है। एक बार आपको चेक करा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें चार्जिंग केबल कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले शो करना स्टार्ट कर देगा कि केस का बैटरी परसेंटेज कितना है। जो इसके ट्रांसमीटर्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसका बैटरी परसेंटेज नहीं बताते, ये केवल केस का बताता है कि केस का बैटरी परसेंटेज कितना है। तो जैसे जैसे केस जो है वो चार्ज होता जाएगा, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज बढ़ता रहेगा। आप केस को बंद करते हैं और इसको साइड कर देते हैं। वैसे अगर आपको मैं J13 दिखाऊं तो यहाँ पे आपको भी अगेन क्यूबॉइड शेप में मिलता है, मगर यहाँ पे मैट फिनिश में ना मिलकर आपको प्लास्टिक की प्लेन फिनिश में मिलता है जो शाइनिंग वाली है। मगर इसका नुकसान ये है कि थोड़े समय में जो इसकी शाइनिंग है वो चले जाएगी। अंदर से दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसमीटर्स इस तरीके से प्लेस किए गए हैं, और इस केस में यहाँ पे आपको कोई भी डिजिटल इंडिकेटर नहीं मिलता है कि चार्जिंग केस का बैटरी परसेंटेज कितना है। अगर आपको यहाँ पे पता लगाना है J13 में, तो आपको यहाँ पे जो उसका टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देता है वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं, वो आपको एक बार मैं चेक करा देता हूँ। जैसे भी अगेन इसको मैं यहाँ पे प्लग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे वो चार्जिंग मोड में चला गया और लाइट ब्लिंक कर रही है कि ये अभी केस जो है वो चार्ज हो रहा है। अगेन इसका जो चार्जिंग है वो अगेन इसके केस को चार्ज कर रहा होता है। तो आप ये ना सोचें कि यहाँ पे जो लाइट है वो ये शो कर रही है कि ट्रांसमीटर का बैटरी परसेंटेज कितना है, ये केवल आपके इस केस के लिए ही है। अब चलिए देखते हैं इनके ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है उसमें आपको कैसे फीचर देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका S13 प्रो का रिसीवर और ये है आपका J13 का। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगेन यहाँ पे आपको ये मैट फिनिश में मिलता है और इसका जो प्लास्टिक ऐसा लगता है कोई नॉर्मल डिजाइन किया गया है। बट दोनों के केस में आपको इस साइड से दिखाऊं तो आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है, अगर आप अपने फोन में इसको कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं और आप अपने फोन को चार्ज करना चाहते हैं तो आप पैरेलली अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हैं। मगर एक चीज क्लियर कर दूं, उस केस में जब आप अपने फोन को चार्ज कर रहे होंगे तो आपका फोन स्लो चार्ज होगा। मान लीजिए आपका फोन अगर फास्ट चार्जिंग वाला है तो अगर आप यहाँ पे अपने केबल को कनेक्ट करते हैं चार्जिंग केबल को और फिर चार्ज करते हैं अपने फोन को, तो उस केस में आपका फोन जो है स्लो चार्ज होगा। दोनों के दोनों आपको रिसीवर में यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है कि ये कनेक्टेड है या नहीं। तो आप देखेंगे इसके केस में यहाँ पे आपको LED वाला दे रखा है और इसके केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउन साइड में दे रखा है। दोनों में बैटरी यूज़ नहीं होती है, तो इसके लिए कोई भी बैटरी वगैरह नहीं चाहिए होता है। इसको बस अपने टाइप सी फोन वाले में प्लग करना होता है और आपका फोन जो है वो कनेक्ट हो जाता है इन ट्रांसमीटर्स के साथ। तो अगर आपको ट्रांसमीटर्स दिखाऊं तो ये इनके ट्रांसमीटर्स हैं। अगर ट्रांसमीटर के फीचर दिखाऊं तो आप देखेंगे S13 प्रो में आपको यहाँ पे पेयरिंग का, लेवल्स का, बैटरी का और म्यूट का चारों का इंडिकेशन अलग अलग मिल जाता है। बट इसके केस में आपको जो J13 है उसमें कोई भी अलग नहीं मिलता है, सबके सब जो इंडिकेशन वो सिंगल लाइट में वर्क करते हैं। अगर इसको ऑन करूँ यहाँ से तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे मोड हैं। वैसे अगर इसको ऑन करूँ तो अभी आपने ये दिखा रहा है कि ये पेयरिंग मोड में चला गया। वैसे सेम आप यहाँ पे लाइट ब्लिंक करते हुए देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये पेयरिंग मोड में। अगर इसको पेयरिंग मोड से मान लीजिए भी कनेक्ट होता तो अगर मैं इसको सिंगल प्रेस करता तो लेवल 1 के लिए सिंगल ब्लिंक करता, डबल प्रेस करता एक और बार तो ये फिर 2 टाइम्स ब्लिंक करता तो ये लेवल 2 पे जाता नॉइस कैंसिलेशन के, वैसे लेवल 3 पे जाता। सेम इस केस में भी होता, बट ये जो है यहाँ पे अलग अलग इंडिकेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी इसका बैटरी परसेंटेज लो है तो वो यहाँ पे येलो कलर से लाइट ब्लिंक कर रहा है, बट सारी जो यहाँ पे इंडिकेशन है वो सिंपल इसी लाइट में होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है। माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है दोनों की टेक्निकली, उसको हम आगे मैं आपको टेस्ट भी करा के बताऊंगा कि कंपनी ने तो कहीं भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रखा है कि दोनों इस मॉडल्स में कोई टेक्निकल डिफरेंस है या नहीं। बट आपको मैं आगे पूरा टेस्ट करके वो भी बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको म्यूट और सारे फीचर तो सेम ही मिलते हैं, बस ये है इस केस में J13 में आपको सिंगल इंडिकेशन मिलता है और यहाँ पे आपको हर एक फीचर के लिए अलग इंडिकेशन मिल जाता है। दोनों में सिंगल बटन है, बैक साइड से आप देख सकते हैं क्लिप सिस्टम आपको दोनों में मिल जाता है और नीचे आप देखेंगे तो चार्जिंग है। और इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास केस नहीं है, आपने केस को परचेज नहीं कर रखा, आपने सिंगल ट्रांसमीटर और रिसीवर परचेज कर रखा है अमेजोन से जो इस ब्रांड में अवेलेबल है, तो उस केस में आप डायरेक्टली टाइप सी से पोर्ट को कनेक्ट करके यहाँ पे
चार्जिंग केबल के थ्रू इसको चार्ज कर सकते हैं, जो कि मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा कि आपको अगर एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर ही चाहिए तो उस केस में आप डायरेक्टली भी इनको चार्ज कर सकते हैं, आपको केस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोनों के साथ अगर किट की बात करें तो दोनों के दोनों में आपको, अगर आप यूनिवर्सल वाला मॉडल रहे हैं तो आपको ये भी किट दिखा देता हूँ कि आपको यानी किट दोनों में मिल जाती है, जिसमें आपको ये ऑडियो मॉनिटर वाले दो मिल जाते हैं, 3.5 mm टाइप सी का जैक मिल जाता है, और ये आपको टाइप सी से आईफोन के लिए मिल जाता है अगर आपके पास आईफोन है, और ये आपको चार्जिंग के लिए, जैसे आपको पहले बताया, अगर आप इनको डायरेक्टली चार्ज करना चाहते हैं तो इस केबल के थ्रू अपने केस को भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपके पास केस नहीं है तो इस केबल के थ्रू आप अपने इन जो ट्रांसमीटर्स हैं इनको भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है अगर आप यूनिवर्सल वाला ले रहे हैं। आप यूनिवर्सल ना लेके नॉर्मल एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर लेना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं, वो भी वैसे ही प्रॉपरली वर्क करता है। अब टेस्टिंग में जंप करने से पहले कुछ आपको टेक्निकल बातें क्लियर कर दूं, अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी वाला फ़ोन है तो उस केस में आप इनको परचेस ना करें, किसी भी मॉडल को, ये आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगा। अगर आपके पास टाइप सी वाला पोर्ट है मोबाइल पे चार्जिंग वाला, तो उस केस में आप दोनों में से कोई सा भी मॉडल परचेस कर सकते हैं, वो वर्क करेगा। अगर आपके फ़ोन जो है वो एप्पल का है तो उस केस में आपको ये कनेक्टर वाला लेना पड़ेगा, बिना कनेक्टर के आप अगेन इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इनके ट्रांसमीटर और रिसीवर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप स्टीरियो साउंड को रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो वो बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इन ट्रांसमीटर और रिसीवर से कोई भी आपको स्टीरियो साउंड रिकॉर्ड होते हुए नहीं दिखेगी, इससे जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है वो मोनो ऑडियो रिकॉर्ड होता है, तो जब भी आप इसमें सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑडियो आ रहा है ये मोनो आ रहा है। अब जल्दी से इन सबको साइड करते हैं और टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोनों वायरलेस माइक्रोफोन्स में कोई डिफरेंस है या नहीं इसको टेस्ट करने के लिए और इसको अनबायस्ड रखने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो आप दोनों स्मार्टफोन देख रहे हैं ये दोनों के दोनों है Redmi Note 7 Pro, दोनों के दोनों सेम मॉडल हैं, और दोनों में जो मैंने ऐप ओपन की है वो दोनों के दोनों में सेम ऐप ओपन की है। इस साइड जो आप देख पा रहे हैं ये है S13 Pro, जिसका मैंने यहाँ पे रिसीवर कनेक्ट कर रखा है, और ये उसका ट्रांसमीटर है। वैसे जो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है J13, और यहाँ पे इसका जो है लगा हुआ है रिसीवर, और ये है उसका ट्रांसमीटर। तो इस साइड वाला सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं ये है आपका S13 Pro का, और ये जो आप पूरा सेक्शन देख पा रहे हैं ये है J13 का। अभी के अभी को मैं दोनों को चेक कैसे करूंगा, मैं पहले एक लेवल 1 पे इसको प्ले करूंगा और ऑडियो को रिकॉर्ड करूंगा, तो आप यहाँ पे इसका बार देखिएगा कि किस तरीके का बार यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे लेवल 2 पे करूंगा, वैसे लेवल 3 पे करूंगा, हो सकता है मिली सेकेंड्स का मेरे क्लिक करने पे डिफरेंस आए, बट क्लिक करने के बाद जब ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो आप बार देखिएगा कि दोनों के बार में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं, से आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों के दोनों माइक्रोफोन्स में क्या कोई टेक्निकल डिफरेंस है या नहीं। तो चलिए दोनों को मैं ऑन करता हूँ, तो दोनों की रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, और अभी जो आप देख रहे हैं ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों की दोनों जो है इस ट्रांसमीटर के थ्रू हो रही है, मतलब मैं आंसर से जो बोल रहा हूँ वो इस ट्रांसमीटर के थ्रू रिसीवर के थ्रू रिसीव होके यहाँ पे आप दोनों के बाहर देख पा रहे हैं। और आप देखेंगे अभी मैं एक बार शांत हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, तो आप देखिए दोनों के बाहर कैसे चलते हैं। अब मैं फिर से बोलता हूँ, अब मैं फिर से कुछ बोलूंगा तो आप देखेंगे बाहर फिर से पिक कर लेगा, और दोनों के अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं। अगर एकदम से चुप हो जाऊं तो दोनों अभी एक ही लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनके लेवल्स चेंज करते हैं जो कंपनी ने मेंशन करके, लेवल 1, 2 और 3। तो ये गया लेवल 1 पे, अब इसको भी कर देते हैं लेवल 1 पे, अब ये भी चला गया लेवल 1 पे। अब मैं फिर से इनको रख देता हूं और एक मिनट के लिए शांत हो जाता हूं, तो दोनों के दोनों जो अभी ट्रांसमीटर्स हैं ये लेवल 1 पे है। तो अब दोनों लेवल 1 पे, दोनों लेवल 1 पे नॉइस कैंसिलेशन कर रहे हैं। अगेन आप यहाँ पे बार को देखिए किस तरीके के दोनों के बार चल रहे हैं, हेलो 1, 1, 2, 2, 3, हेलो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 3, हेलो हेलो हेलो। तो आप देखेंगे दोनों के बार जो है लेवल 1 पे सेम लेवल पे ही वर्क कर रहे हैं। अब इनको मैं लेवल 2 पे डालता हूँ, तो ये लेवल 2 पे चला गया, अब इसको भी लेवल 2 पे कर देते हैं, तो ये भी लेवल 2 पे चला गया, और इनको फिर से रख देते हैं। अब दोनों लेवल 2 पे हैं, और लेवल 2 पे कैसा नॉइस कैंसिलेशन है आप देख लीजिए। अगेन मैं चुप हो जाता हूं, 1, 2, 3, हेलो 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 हेलो। तो आप देख पा रहे होंगे 99% दोनों के बार में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है,
अब इसको लेवल थ्री पे करते हैं, तो इसको लेवल थ्री पे कर देता हूँ पहले, तो लेवल थ्री पे चला गया, ये भी लेवल थ्री पे चला गया। फिर से इनको एकदम सेम लेवल पे रख देते हैं। अब ये लेवल थ्री का नॉइस कैंसिलेशन कैसे वर्क कर रहा है तो चेक करते हैं। हेलो 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 हेलो, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हेलो 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 हेलो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें लेवल थ्री पे एस तेरा प्रो का जो फ्रिक्वेंसी है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और अगर यहाँ पे देखेंगे जे तेरा का, तो दोनों आपको माइन्यूट 1 या 2% का ये डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अब आपको अगर मैं अपने लेवल पे बताऊँ, तो अगर आप दोनों में से कन्फ्यूज हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपका बजट 200 से 300 एक्स्ट्रा है तो आप एस तेरा प्रो ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डिजिटल फीचर और थोड़ा क्वालिटी वाइज दिखने में एस तेरा प्रो ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर आपको ऑडियो से मतलब है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो उस केस में आप दोनों में से किसी को भी आके बंद करके उठा लीजिए, आपको 1 या 2% का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब जो एस तेरा प्रो है वो 1 से 2% ही थोड़े अच्छे लेवल की क्वालिटी साउंड रिकॉर्ड करता है, बाकी 99% मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन दोनों ऑडियो को मैंने सुना है अलग अलग तरीके से, ये तो अभी आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, मगर इससे पहले भी मैं इस तरीके से टेस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको मैं दोनों ऑडियो सुनाऊँ तो आप जरा भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सा ऑडियो एस तेरा प्रो का है और कौन सा वाला ऑडियो जो J13 का है। तो अगर आपके मन में डाउट है तो आप कोई सा भी पिक कर लीजिए, मगर आपको थोड़ा डिजिटल फीचर्स चाहिए, दिखने में प्रीमियम चाहिए, तो उस केस में आप एस तेरा प्रो को ही लीजिए। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है इन दोनों वायरलेस माइक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।